हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप नारियल के तेल को हल्का वार्म करके अपने बालों की मालिश करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट ज़रूर दूर करना चाहूँगी कि नारियल का तेल या कोई भी तेल अपने बालों में लगाने से ना तो आपके बाल ख़राब होंगे और ना ही आपके बालों में कोई प्रॉब्लम आएगी। आजकल की न्यू जनरेशन बालों में तेल लगाने से बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाती है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कि उन्हें ऑयली और चिपचिपे बाल बिल्कुल नहीं चाहिए। ऑयल लगाने का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं होता है कि आपके बाल ऑयल और ऑयली और चिपचिपे हो जाएंगे, बल्कि ऑयल आपके बाल को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए, इसी बेनिफिट्स के साथ में हम चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक दो कटोरी ले ली, एक बड़ी कटोरी और एक छोटी कटोरी। एक कटोरी में मैंने पानी रखा है, तो इसको मैं पहले गैस पर चढ़ा देती हूँ कि हल्का सा गर्म हो जाए। और दूसरी कटोरी में मैं निकाल लेती हूँ ये नारियल का तेल, जितना मुझे बाल में लगाना है बिल्कुल उतना, और लगभग इतना काफ़ी होगा मेरे बाल के लिए। इतना बहुत है मेरे बालों की जड़ों के लिए, मुझे पूरे बाल में नहीं लगाना है। ओ शिट, तो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप पानी जब भी रखें बहुत ज़्यादा ना रखें। एक्चुअली पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कुछ छींटे मेरे तेल में आ गए हैं। खैर कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गैस को ऑफ़ कर दिया है और इसी पानी में थोड़ी देर के लिए मैं इस तेल को छोड़ दूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा, तो अभी ये बिल्कुल देखिए ठंडा है। इस कटोरी को मैंने अपने हाथ में लिया है और ऑयल बिल्कुल इतना वॉर्म है कि हमारा हाथ उसमें जा सके इजीली। और कुछ इस तरीके से अपने बालों के बीच में मांग निकालते हुए, अपने बालों को डिवाइड करते हुए, आपको ऐसे करके जड़ों में करते रहना है अपने फिंगर से मसाज। अगर आपके घर पर आपकी मम्मी, आपकी बहन या जो भी कोई हो, आप उनसे चाहें तो मालिश करवा सकते हैं, पर मेरे लिए ये बेस्ट तरीका है। इस तरीके से हम अपने बालों की मालिश करते रहेंगे। नारियल के तेल में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि आपके बालों में हो रही हर एक प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। साथ ही साथ नारियल के तेल में होता है लॉरिक एसिड, जो कि आपके बालों को देता है भरपूर मात्रा में प्रोटीन। अगर आप नारियल के तेल को रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके स्कैल्प में कभी भी ना तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी और ना ही रूखापन आएगा, बल्कि और भी ज़्यादा आपके स्कैल्प की त्वचा नरिश रहेगी और आपके बालों को ग्रोथ मिलती रहेगी। नारियल का तेल एक नेचुरल कंडीशनर की तरह भी काम करता है, ना कि आपके बाल को चिपचिपा और ऑयली बनाता है। तो इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालिए और नारियल का तेल यूज़ करना शुरू कीजिए। अगर आप हल्का वार्म करके अपने बालों में तेल लगाएंगे तो इससे क्या होगा ये आपको बता देती हूँ। इससे होगा ये कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप वीक में इस एक चीज़ को ज़रूर करें। आप जब भी ऑयल करें अपने बालों में, हल्का वार्म कर लें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा ताम झाम तो करना नहीं है। और बस अपने बालों में चारों तरफ, आगे से लेकर के पीछे तक, अपने बालों की पूरी जड़ों में इस तेल को आपको पहुंचा देना है। अपने हाथों की उंगलियों की हेल्प से आप पूरे जड़ में अच्छे से मसाज करें। अगर तेल एक्स्ट्रा बच जाए तो उसे अपने बालों की लेंथ पे लगा लें। इसके साथ साथ नारियल के तेल में होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर इतनी सारी चीज़ें हमारी छोटे से इस तेल में हैं, जो कि इतना सस्ता है, इतना इफ़ेक्टिव है और बजट फ्रेंडली है। हर कोई इसे आराम से ख़रीद सकता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा भी तेल नहीं आता है ये। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स होंगी जो बचपन से इस तेल को यूज़ करती होंगी। तो कौन कौन है मुझे कमेंट में बताना आप। हाँ, और बस आपसे बातें करते करते मेरा जो ये मसाज है, हेयर ऑयल कंप्लीट हो गया। और कुछ इस तरीके से अपने फिंगर को करिए और लगभग कम से कम ना 5 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आप कुछ और भी करना है। आप सिंपली बस मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको कितना रिलैक्स फील होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं किसी और से बालों की चंपी कराओ, पर मैं कहूँगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप खुद अपने बालों की चंपी करो, ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि एक तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मुझे कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे, जहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ, ना तो यहाँ पे पंखा है और ना ही कोई नेचुरल एयर आने की जगह है। तो और बाकी अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे मैं वीडियो शूट कर नहीं सकती हूँ। तो अभी मैं पूरे पसीने पसीने हो चुकी हूँ अपना मसाज, हेड मसाज करते करते। हाँ, बस कंप्लीट हो चुका है मेरा और इसे मैं अच्छे से टक कर लूँगी और छोड़ दूँगी। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।
बाय बाय।